नेक्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे अयोध्या। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद बोले अखिलेश यादव। महाराष्ट्र में एनसीपी टूटने पर बोले अखिलेश यादव, कहा भाजपा इस तरह का प्रयोग करती रही है। भाजपा हमेशा कहती रही है भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखाकर अपने साथ ले जाते हैं, क्या पद देकर उनको लाभ के सपने दिखाकर, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? यह लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भाजपा काम करती रहती है और जनता को जनादेश देती है। अगर अपमान करने का काम कोई करता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश में चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय। भाजपा वाले कितना भी जोड़ तोड़ कर ले, अंततः इसको जाना है। जनता ने अपना मन बना लिया है कि भाजपा वाले कितना भी एक्सपेरिमेंट करें, वह एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होने वाला है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। 2024 में सपा और सहयोगी दलों की ऐतिहासिक जीत होगी। वरुण गांधी को सपा के टिकट पर लड़ाने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, कहा जो अच्छा चेहरा होगा उसे समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, कहा मंदिर का निर्माण होने के बाद वे रामलला का दर्शन जरूर करेंगे। विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, बहुत मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। अयोध्या की सीमा से अयोध्या शहर तक जगह जगह अखिलेश यादव का हुआ भव्य स्वागत। रुदौली में सपा नेता चौधरी सहर यार ने भी अपने समर्थकों के साथ किया भव्य स्वागत। और विपक्षी अरे एक कहावत है चंडू खाने की गप। अरे इतना बड़ा चैनल है, क्या चंडू खाने की गप चलाते हो? कुछ होमवर्क करो आप। जनता बदलाव चाहती है और ये जो समस्या है उसका समाधान बीजेपी नहीं कर पाई है। आप वही मैं कह रहा हूँ, जनता तैयार है बीजेपी को हराने के लिए। सवाल ये नहीं है कि कौन दल किसके साथ है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मजबूत दल के साथ खड़ी होगी। ये अभी तक नहीं पता लगा आपको? हे भगवान, आपको बुद्धि दे। और दोहराई जा सकती है? देखिए उलझो मत इसमें, हमें आपको ये सोचना चाहिए कि जो मुनाफा हो रहा है महंगाई के कारण वो किसकी जेब में जा रहा है और क्या वजह है कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट के बाद भी कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश नहीं आया, कारखाना नहीं लग रहा है, आखिरकार उसको कारण क्या है? और फिर जिस बात को प्रधानमंत्री ने कहा हो कि छुट्टा जानवर खत्म कर देंगे, लखनऊ से आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या से गोरखपुर, गोरखपुर से देवरिया और आगे हिस्से में चले जाओ, बताओ ट्रैफिक का इंतजाम कुछ लोग नहीं संभाल रहे, सड़कों पर जानवर संभाल रहे हैं। बड़े दुख की बात है, $1 trillion इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले सड़क से जानवर नहीं हटा पा रहे। अब होगी वहां पर, यहां पर आपने सरकार को डगमगाते देखा है 24 के बाद, वही होगी जहां की आप बता रहे हो बात। कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है, विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए, विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। विपक्ष बिहार के बाद जो है बेंगलुरु में बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? कैसी बातें करते हो आप? आपको कोई अलग से संपर्क जुड़ा हुआ है किसी योगी के से, जो आपको अलग से सूचना मिलती है? बिहार के बाद बैकग्राउंड में विपक्ष बहुत बड़ी बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिहार के बाद जो है विपक्ष जो है बैकग्राउंड में बैठक करने जा रहा है। ये बैठक लगातार होती रहेंगी और जहां जहां विपक्ष मजबूत है वो मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करेगा। आज उनके 13वीं के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। हमें दुख है इस बात का, एक बहुत ईमानदार लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाले और जो भी कभी जिम्मेदारी पार्टी ने दी होगी पूरी ईमानदारी से उन्होंने निभाई। आज हमारे बीच में नहीं, मैं परिवार के सदस्यों से मिला हूं, उनके परिवार के लोगों से मिला हूं। आज के दिन हम यही कह सकते हैं कि और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दुख सहने की शक्ति मिले। और उनके परिवार के बेटे से मिला हूँ सबसे, उन्होंने यही कहा जिस विचारधारा से पिताजी जुड़े थे उसी विचारधारा को और मजबूत करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर जिस तरह के महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक की बात हो रही है, फिर यूपी की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, क्या लग रहा है?
अब ये है कि बातों बातों में क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा इस तरह के प्रयोग करती रही है। हमें आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बीजेपी जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके, उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम अगर कोई करता है, भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और लगातार इस तरह का प्रयास वो करते रहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है। इस तरह की चीजें कई बार बूमरैंग करती हैं, बूमरैंग कर करके आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मैं लखनऊ से चला हूं, अयोध्या जा रहा हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन सकता था। इतने गड्ढे हैं सड़क पे कि गड्ढे नहीं गिने जा सकते हैं। सरकार ये कहेगी कि हम इसके लिए अलग से रिकार्पेटिंग के लिए पैसा दे देंगे, बजट दे देंगे। जिस गति से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय, खुलेआम लूट, शायद पहली बार ऐसा किसी ने देखा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा हो। क्या जनता बिजली का नाना भूल जाएगी? क्या जनता बिजली का बिल होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी? महाराष्ट्र चुनाव जो मजबूत होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी। आप अयोध्या में हैं, क्या दर्शन करेंगे रामलला का? देखो तुम कैसी बातें करते हो, कितनी बार बोलता हूँ, हर अगर राम की धरती वाले लोग और खासकर अयोध्या के हमारे पत्रकार ये बात भूल जाएं कि मैं अयोध्या में आकर के क्या कहता हूँ। मैंने हमेशा वही कहा कि हम लोग जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो दर्शन क्यों करने का नहीं आएंगे, और फिर हम तो आपसे भी कहेंगे हमारा भी मंदिर है उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। अगर आप हमें दर्शन कराने के लिए बुला रहे हो तो हम भी आपको न्योता देंगे और अपने नेताओं से कहेंगे सबके फोन नंबर, एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर याद रखना, हमारे भी मंदिर दर्शन में आप लोग आना।